बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रू मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास नाइन मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद रशीद, आप देख रहे हैं ग्रू मैथ यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, तो बेटा एक्सरसाइज 2.6 और 2.5 जो है, ये दोनों एक्सरसाइज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इससे कबल हमने पांचवां चौथा तीसरा ये वाले सवाल जो है वो कर लिए। आज हम इसका 6 वाला क्वेश्चन करेंगे। 6 क्वेश्चन के अंदर हमें जेड और डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है और उसके बाद जो है हमें आगे क्वेश्चन गिवन है, वो कहता है कि शो करें, मींस के लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे आज, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठीक है, तो फर्स्ट 4 चैप्टर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी और शॉर्ट वाइज के लिए भी। ठीक है, तो बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ बेल आइकन को क्लिक भी कर दें। उसका फायदा ये होगा कि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और इसके अलावा आप चैनल को, अब इस वीडियो को, इसके लिंक को आगे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको 8th, 9th, 10th की कोई और भी वीडियो चाहिए तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे बाकायदा तौर पर उनकी प्लेलिस्ट दी हुई है, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के थ्रू वो लेक्चर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलें जी क्वेश्चन की तरफ, आप मतवजे हो। क्वेश्चन बेटा, इफ जेड इज इक्वल टू 2+3 iota एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू 5-4 iota, शो दैट। फिर हमने ये शो करवाने हैं चारों के चारों जो मैंने लिख लिए हैं। ठीक है, बारी बारी हम इनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट मेरे पास फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट में कहता है जी हमारे पास जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट प्लस डब्ल्यू कॉन्जुगेट। तो इस तरह कुछ क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, तो मैंने इसको सॉल्व करना है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करता हूं। जेड प्लस डब्ल्यू, जेड की वैल्यू लिखे हमारे पास, जेड की वैल्यू क्या थी, 2+3 iota प्लस डब्ल्यू की वैल्यू लिखे 5-4 iota। अब इनको आप कर दें ऐड, हाँ जी, 2+5 कितने हो गए 7, फिर -4 iota प्लस 3 iota, माइनस का आयोटा बचेगा। अब इसका ले लें आप कॉन्जुगेट, जब हमने इसका कॉन्जुगेट लिया, जेड प्लस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट लिया, तो ये आ गया 7+ iota। ये मीन्स कि मेरे पास थी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब आगे हम इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या करना है हमने, इसमें हमने जेड का कॉन्जुगेट लेना है, फिर हमने डब्ल्यू का कॉन्जुगेट लेना है और उनको प्लस कर देना है। सबसे पहले बेटा जेड का कॉन्जुगेट क्या आएगा, 2+3 iota है, इसका कॉन्जुगेट आएगा 2-3 iota, 2-3 iota प्लस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट क्या आएगा, डब्ल्यू का जो कॉन्जुगेट है वो आएगा 5+4 iota, 5+4 iota। अब इनको आप प्लस कर दें, 2+5 7, 4 iota माइनस 3 iota, यहां पे आ जाएगा प्लस आयोटा। मीन्स के जेड कॉन्जुगेट प्लस डब्ल्यू कॉन्जुगेट, ये हमारे पास आ गई है जी राइट हैंड साइड का आंसर। ठीक है, अब देखें इसका आंसर और इसका आंसर दोनों सेम आ गए, तो यहां पे हम लिख सकते हैं हिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल प्रूव हो चुका है। तो ऐसे ही हम इसका नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे जी। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर देखें, एक ही चीज आपको फर्क नजर आ रहा है, उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने यहाँ पे जो है वो माइनस लिख देनी है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम माइनस लिखते हैं तो मेरे पास जो है वो सेकंड वाला पार्ट इसका हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आप दोनों साइड्स को हल कर लें। ठीक है, तो दोनों को मैं एक दफा ही करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इसकी वैल्यू लिखें पहले, पहले आप लिखें जेड माइनस डब्ल्यू, और इधर मेरे पास राइट हैंड साइड है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी जेड माइनस डब्ल्यू। ठीक है जी, तो आप पहले इसको हल कर लें, इसको पहले आप करें जी, जेड माइनस डब्ल्यू लें, जेड माइनस डब्ल्यू, जेड की वैल्यू थी मेरे पास 2+3 iota, माइनस डब्ल्यू की वैल्यू थी 5-4 iota, माइनस है क्योंकि यहां पे ब्रैकेट लगा लें, 2+3 iota माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस 4 iota जी, 2-5 बनेगा मेरे पास माइनस का 3, फिर 3 iota प्लस 4 iota 7 iota। अब ले लें आप इनका कंजुगेट, देखें जेड माइनस डब्ल्यू के ऊपर बार है तो आप ले लें जी जेड माइनस डब्ल्यू निकाला, अभी हमने इसका लेना है कंजुगेट, इसका लिया कंजुगेट,
माइनस थ्री माइनस सेवन आयोटा, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ठीक है, अब आप करें जी राइट हैंड साइड को सॉल्व। राइट हैंड साइड ये हमारे पास आएगी z कंजुगेट माइनस w कंजुगेट। ठीक है, तो इस तरह z कंजुगेट जो है वो मेरे पास आएगा 2 माइनस थ्री आयोटा, माइनस w कंजुगेट आएगा 5 प्लस 4 आयोटा। आप इसको करना है हमने माइनस, ये ब्रैकेट लगा दें क्योंकि अंदर इसके माइनस है। अब इसको खोलें, माइनस थ्री आयोटा माइनस 5 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, अब इसको प्लस माइनस कर लें, जब प्लस माइनस किया 2 माइनस 5 माइनस थ्री आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 7 आयोटा। तो मेरे पास z कंजुगेट माइनस w कंजुगेट, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास इक्वल आ गया है। तो हम लिख सकते हैं हिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इक्वल आ गए हैं। ठीक है जी, तो बेटा इस तरह हमारे पास इसका नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाले पार्ट में देखिए, मैं कहता है कि जेड डब्ल्यू का कंजुगेट, मींस के जेड और डब्ल्यू दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, कहता है उनको पहले मल्टीप्लाई करें फिर आप उसका कंजुगेट लें। इक्वल में जेड कंजुगेट इंटू डब्ल्यू कंजुगेट, मीन्स कि यहाँ हमने पहले मल्टीप्लाई करना है फिर कंजुगेट लेना है। राइट हैंड साइड में जो है, राइट हैंड साइड में जो है जेड का कंजुगेट डब्ल्यू, मीन्स के दोनों का पहले कंजुगेट लेके बाद में उनको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इसकी भाई मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। ये मेरे पास है जेड इंटू डब्ल्यू, पहले जेड की वैल्यू लिखें आप, वो क्या है 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा इंटू डब्ल्यू की वैल्यू है 5 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, आप इनको कर दें जी मल्टीप्लाई, जब इनको मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई 5 ये हो गया मेरे पास 10, फिर 2 मल्टीप्लाई 4 ये 2 प्लस का है और 4 माइनस का है तो माइनस का 8 आयोटा। ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई 5 ये प्लस का आ जाएगा 15 आयोटा, फिर ये प्लस माइनस माइनस 3 4 द 12 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब इसको मजीद हम प्लस माइनस करेंगे, ये 10 माइनस 15 आयोटा माइनस 8 आयोटा, 15 ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का 7 आयोटा, फिर ये माइनस का 12 आयोटा स्क्वायर जो है वो माइनस 1 होता है। ठीक है, 10 प्लस 7 आयोटा ये हो जाएगा मेरे पास 12। ठीक है, 10 प्लस 12 ये हो गया मेरे पास 22 प्लस 7 आयोटा, इधर था मेरे पास z इंटू डब्ल्यू। ठीक है, आप इसका ले लें आप कंजुगेट, हम इसका जब हमने कंजुगेट लिया z इंटू डब्ल्यू का कंजुगेट लिया तो 22 माइनस 7 आयोटा, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। ठीक है, ऐसे ही हम इसकी जो है वो राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं जी। वो है मेरे पास भाई, सबसे पहले आप z का कंजुगेट ले लें, क्या आएगा 2 माइनस 3 आयोटा। ऐसे ही w कंजुगेट ले लें, वो आएगा मेरे पास 5 प्लस 4 आयोटा। ठीक है जी, कंजुगेट हमने ले लिए, अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई, z कंजुगेट इनटू w कंजुगेट जी, z कंजुगेट की वैल्यू 2 माइनस 3 आयोटा इनटू 5 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 5 10, फिर 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस का 8 आयोटा, 3 मल्टीप्लाई 15 माइनस का 15 आयोटा, फिर 3 इंटू 4 माइनस का 12 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मजीद हम हल करेंगे, 10 ये 8 आयोटा माइनस 15 आयोटा माइनस का 7 आयोटा, फिर ये माइनस 12 आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1 के इक्वल, ये z इंटू डब्ल्यू की जो वैल्यू आएगी मेरे पास 10 माइनस 7 आयोटा प्लस 12। ठीक है, इज इक्वल टू ये मेरे पास आ जाएगा 22 माइनस 7 आयोटा। तो ये मेरे पास राइट हैंड साइड का आंसर है, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। आप चेक कर सकते हैं दोनों आंसर सेम आ गए हैं, तो यहां पे हम लिख सकते हैं हिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इस तरह हमारा जो क्वेश्चन है वो कवर हो गया। तो ऐसे ही बेटा हम इसका जो फोर वाला पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे जी। तो बेटा इस तरह हमारे पास इसका नेक्स्ट फोर वाला पार्ट है। फोर वाले पार्ट में कहता है कि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपने परेशान नहीं होना, कि z ओवर w मतलब z और w को डिवाइड करें, फिर इसका जो है आप कंजुगेट ले लें, फिर इक्वल में जो है वो z पहले आप कंजुगेट लें फिर उनको डिवाइड कर दें। ठीक है, तो फर्स्टली बेटा मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ, मीन्स के z ओवर w ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, z की वैल्यू पहले लिखें, वो क्या है 2 प्लस 3 आयोटा ओवर
फाइव माइनस फोर आयोटा। अब हमें पता है कि बटे में जब कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो हम फोरन उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। हम फोरन से पहले हम क्या करते हैं, उसका जो है वो बटे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम खत्म करेंगे, कैसे करेंगे, हमें पता है कि हमें इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। टू प्लस थ्री आयोटा ओवर फाइव माइनस फोर आयोटा, कॉन्जुगेट इसका आएगा फाइव प्लस फोर आयोटा ओवर फाइव प्लस फोर आयोटा। ठीक है, अब हमने इसका कॉन्जुगेट जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है। अब इसको आपने ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। हाँ जी, टू प्लस थ्री आयोटा इंटू फाइव प्लस फोर आयोटा, बटे वाली वैल्यूज बच गई फाइव माइनस फोर आयोटा इंटू फाइव प्लस फोर आयोटा। ठीक है, ऊपर वाली रकमें आपस में जब ज़रब होंगी तो मेरे पास वैल्यू आएगी दो पाँच दस, दो चार बार जमा का आठ आयोटा, ये वाला जमा का पंद्रह आयोटा, ठीक है, और ये जमा का चार तीन बार बारह आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, तो टेन प्लस एट आयोटा ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और नीचे वाली वैल्यूज को जब हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला बनता है। तो बेटा आपको याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर वाली जो रकमें हैं वो कुछ ऐसे आ जाएंगी, टेन प्लस एट प्लस फिफ्टीन, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा ट्वेंटी थ्री आयोटा, फिर ये प्लस का ट्वेल्व आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस वन, बटे में जो वैल्यू आएंगी फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप, ये मेरे पास वैल्यू थी जेड बटा डब्ल्यू की। ठीक है, अब इसको हम आगे यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, जेड ओवर डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये मेरे पास आएगा टेन प्लस ट्वेंटी थ्री आयोटा, माइनस का ट्वेल्व हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे ना, ओवर में ट्वेंटी फाइव, फिर ये माइनस माइनस प्लस का सिक्सटीन। ठीक है, ये टेन माइनस ट्वेल्व माइनस का टू प्लस ट्वेंटी थ्री आयोटा ओवर ट्वेंटी फाइव प्लस सिक्सटीन, हाँ जी कितने बनते हैं, ये मेरे पास बन जाएगा फोर्टी वन। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा माइनस टू ओवर फोर्टी वन प्लस ट्वेंटी थ्री ओवर फोर्टी वन आयोटा, ये कुछ इस तरह हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अब हमने चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में इसका कॉन्जुगेट था, अब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, जेड ओवर डब्ल्यू का लिया हमने कॉन्जुगेट, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई माइनस टू ओवर फोर्टी वन माइनस ट्वेंटी थ्री ओवर फोर्टी वन आयोटा, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर आया। अभी राइट हैंड साइड हमने खुद जो है वो आगे नेक्स्ट सॉल्व करनी है, अब उसको सॉल्व करेंगे पहले जी, राइट हैंड साइड को लिखें जेड कॉन्जुगेट बटा डब्ल्यू कॉन्जुगेट, जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखें पहले बेटा, क्या आएगी टू माइनस थ्री आयोटा ओवर जेड डब्ल्यू की फाइव प्लस फोर आयोटा। वैसे ही हम इसका जो है कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है, टू माइनस थ्री आयोटा ओवर फाइव प्लस फोर आयोटा इंटू फाइव माइनस फोर आयोटा ओवर फाइव माइनस फोर आयोटा, ये इस वाले का जो है कॉन्जुगेट हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ठीक है, अब हमने इन ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। हाँ जी, टू मल्टीप्लाई फाइव टेन, टू फोर माइनस का एट आयोटा, थ्री फाइव माइनस का फिफ्टीन आयोटा, फोर थ्री ये प्लस का ट्वेल्व आयोटा का स्क्वेयर, बटे में वैल्यू आएगी मेरे पास फाइव का स्क्वेयर माइनस फोर आयोटा का स्क्वेयर। ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं वो कुछ ऐसे आएंगी, ये मेरे पास बेटा माइनस का ट्वेल्व बनेगा, इसको मैं इकट्ठा कर देता हूँ माइनस का ट्वेल्व, और ये वाली मेरे पास वैल्यू बन जाएगी माइनस का ट्वेंटी थ्री आयोटा ओवर ये ट्वेंटी फाइव, और वैसे ही ये सिक्सटीन इंटू माइनस वन। ठीक है, तो ये वैसे ही वो वाली वैल्यू बन जाएगी टेन माइनस ट्वेल्व माइनस का टू और माइनस का ट्वेंटी थ्री आयोटा, ये बटे में आएगा मेरे पास फोर्टी वन। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट यहाँ पे जगह कुछ थोड़ी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, जेड कॉन्जुगेट बटा डब्ल्यू कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस टू ओवर फोर्टी वन माइनस ट्वेंटी थ्री आयोटा ओवर फोर्टी वन। ठीक है, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम आ गई हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन है ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर था,
लेंथी जरूर था लेकिन मुश्किल नहीं है, ये सारे का सारा प्रोसेस आपने पहले किया हुआ बेटा। अगर अच्छे से आपको समझ आ रही है तो आपने चैनल को जो है वो आगे भी शेयर करना है, वीडियो को लाइक लाजमी करें ताकि आगे भी स्टूडेंट्स का जो है वो फायदा हो जाए। चलो जी मूव करते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जी। तो ऐसे इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है, पार्ट फाइव है, कहता है कि 1/2z + z कॉन्जुगेट इज रियल पार्ट ऑफ z। कहते हैं कि हमारे पास z और z को हमने उस कॉन्जुगेट को दोनों को प्लस करना है और उसको 2 बाय डिवाइड करें तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो रियल पार्ट किसका आएगा, z का। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसको करना है हमने सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद बेटा z जो है आप लेट भी कर सकते हैं, अगर लेट नहीं करते तो आप ये वाली z की वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो फर्स्टली हमने लिखा बेटा 1/2z + z इज रियल पार्ट ऑफ z जी। तो हमने सबसे पहले z को और z कंजुगेट को करना है प्लस। हाँ जी, z की वैल्यू मेरे पास है 2 + 3i, इसका कंजुगेट लें 2 - 3i, इनको प्लस करते हैं, ये वाले कैंसिल, 2 + 2 आ गया मेरे पास 4। अब इसको हमने कर देना है 2 पे डिवाइड, जब इसको 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास 2 बच गया। हाँ जी 1/2, आप देख सकते हैं कि मेरे पास जब मैंने z और z कंजुगेट को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास रियल पार्ट ऑफ z बचा है। चेक कर लें, ये z जो था वो 2 था, उसका रियल पार्ट 2 था और हल करने के बाद वही बच गया। तो इस तरह हमारा यही तो क्वेश्चन था कि जब इसको आप सॉल्व करें तो इज रियल पार्ट ऑफ z, तो ये रियल पार्ट आ गया z का। इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है वो कवर हो गया। ऐसे बेटा मूव करेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट 6 की तरफ जी। तो बेटा ये मेरे पास इसका नेक्स्ट 6 वाला पार्ट है, ये बिल्कुल पांचवें सवाल की तरफ, कहता है कि 1/2i(z - z)conjugate इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। कहता है कि इसको हल करें, हल करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो z का इमेजिनरी पार्ट आएगा जी। आप इसको हल कर लें, हल करके देख लें। हाँ जी 1/2i(z - z)conjugate इज इक्वल टू 1/2i, z की वैल्यू आप यही यूज कर लें, 2 + 3i - इसका कॉन्जुगेट लें 2 - 3i, ये ब्रैकेट लगा लें ठीक है। अब ये 1/2i, इसकी ब्रैकेट खोल दें 2 + 3i - 2 + ये -(-+3i) हो जाएगा, ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये 3i हमारे पास बचेगा ठीक है। तो ये 1/2i(3i + 3i) ये होगा मेरे पास 6i जी। i से कैंसिल, 2 × 2 = 6, मेरे पास आ गया आंसर 3 1/2i(z - z)conjugate। तो ये देख लें आप, इसका इमेजिनरी पार्ट बचा है z का, चेक कर लें 3 था जो 3 ही बचा है। तो इस तरह हमारा पार्ट नंबर 6 जो था, 6 क्वेश्चन का 6 पार्ट कवर हो गया। तो बेटा ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। तो आज हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इसका एक क्वेश्चन लास्ट आ रहा था, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उसमें मिलेंगे मेंस के। यहां तक आपने अच्छे से कर लेना है, वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।